आज मैं टॉप 20 पूजा पंडाल विजिट करने वाला हूँ गुवाहाटी के। और गैस इस गर्मी में मैं अकेला निकला हूँ और अकेला ही मुझे पूरा का पूरा शूट कंप्लीट करना पड़ेगा आज का। और तो इस वीडियो में एक के बाद एक पूजा पंडाल आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और किसी ने अगर कोई पूजा पंडाल मिस कर दिया तो बस ये वीडियो उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देगी। तो गैस अभी बजे है 12 और मैं ये शूट करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो गैस आप भी ये जर्नी को देखना चाहते हैं तो गैस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को मौत के कुएं का भी टूर कराऊंगा, लाइव टूर, और कैसा मुझे फील हुआ था फर्स्ट टाइम मौत के कुएं में जाके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस ब्लॉग को शूट करने, पूरा अकेला हूँ इस ब्लॉग में, तो गैस ये एक चैलेंजिंग ब्लॉग है मेरे लिए। तो गैस इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे। तो गैस सब कुछ ठीक था लेकिन ये अचानक बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, तो गाइस आज मैं एक अजीब सा चैलेंज ले लिया हूँ कि मुझे आज विजिट करना है 50 पूजा पंडाल। तो यहाँ पे फर्स्ट पूजा पंडाल पे मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा और बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है। ये फर्स्ट पूजा पंडाल है। तो गाइस प्लानिंग तो है 50 पूजा पंडाल विजिट करने की, लेट्स सी हम लोग कितने पंडाल विजिट कर पाते हैं। ये फर्स्ट पूजा पंडाल है, इसका एक फोटो ले लेता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पूजा पंडाल है। तो यहाँ पे मूर्ति देख सकते हो, तो मैं आपको थोड़ा बाहर का भी पंडाल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रथ बनाया गया है, जो रथ यात्रा निकलते है पंडाल बनाया गया है, तो आप देख सकते हो। गाइस लास्ट टाइम यहाँ पे ही आदि योगी टेम्पल बना था और इस बार जगन्नाथ का रथ यात्रा बना है। तो गाइस थैंक यू भास्कर नगर पूजा समिति, लेकिन मुझे और भी ज्यादा पंडाल विजिट करना है। तो गाइस चलो निकलते हैं। ये चीज ना काफी हेक्टिक हो रहा है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आओ, उसके बाद फिर से गाड़ी वगैरह रखो, उसके बाद पूजा पंडाल विजिट करो। लेकिन ये सेकेंड पूजा पंडाल है और ये जो है ये है भीमंडलागढ़ पूजा समिति, जो पिछली बार जो बना था वो समथिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। सिंपल सा लुक रखा है इन्होंने, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका लुक दिखाना चाहूँगा, ठीक है? थोड़ा देख सको बस। यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा लुक दिया है क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड है और इसके जो अंदर जो विष्णुपुर वाला है उसमें मैं जाऊँगा। ये भीमला नगर समिति का जो पूजा पंडाल है ये थोड़ा सा यूनिक बना है। आई डोंट नो, मैं सुबह जा रहा हूँ क्योंकि रात को ही सारा लाइटिंग वगैरह दिखेगा। बस गोप्रो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते रहा हो विष्णुपुर की जो एंट्री गेट है बहुत ही सुंदर करके सजाया गया है, दिख रहा है। वाह, तो गाइस ये रास्ते में हिल गया, तो दिस इज द थर्ड वन, तो ठीक है मार्क कर लेना, दिस इज द थर्ड वन, ओके। लेकिन अंदर जो पूजा पंडाल है वो विष्णुपुर पूजा समिति है, ठीक। वेलकम टू विष्णुपुर पूजा पंडाल। तो गाइस लास्ट टाइम आया था रात को, इतना ज़्यादा भीड़ था कि घुस ही नहीं पाया क्या ही शूट करूँ, तो इसलिए आज फर्स्ट डे आया हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये वाला जो पार्ट है तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनाया गया है यहाँ पे। और ये जब रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये पूरा पूजा पंडाल। लेकिन अंदर का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, तो चलो अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बना है अंदर का। तो अंदर का मैंने भी नहीं देखा, तो आप लोगों को देखना, पूरा हवेली जैसा लगने की कोशिश की है, लेकिन हवेली व्हाइट कलर। एंड गाइस दिस इज द राजस्थान का हवेली, और ऊपर का नज़ारा देख सकते हो पूरा खुला रखा गया है, जैसे कि जो हवेली में होता है बीच में खुला रहता है, और वैसा ही कुछ लुक देने की यहाँ पे कोशिश की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है मेरे को पर्सनली। मुझे ये पंडाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आप लोगों को दिन में जो ऊपर से ही सनलाइट आएगी और रात को आप जब देखोगे ऊपर सीधा आसमान दिखाई देगा आप लोगों को, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे ये विष्णुपुर पूजा समिति का जो पंडाल है। तो गाइस दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूँ तो इसलिए कोई नहीं है, तो मैं स्टैंड पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो लाइटिंग है तो रात को बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है, लिटरली तुम आके देखो। मैं दिन में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि रात को इतना ज्यादा भीड़ होता है कि आ ही नहीं पाता, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अकेले निकलने में भी मजा है, और यहाँ पे देख सकते हो काफी सुंदर यहाँ पे बना है। लेकिन गाइस मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगा है, अभी प्रसाद दे रहे हैं वो खाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा नेक्स्ट विजिट पे। तो ये समथिंग फोर पंडाल होगा, शायद चार पंडाल मैंने विजिट कर लिए थे और कितने बाकी है, ठीक है
लेकिन यार कोशिश जरूर करेंगे जितना भी पंडाल हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब देख सकते हो, ओके, तो इसका जस्ट फोटो लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तब मूर्ति का जो फेस है और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है नॉर्मली मूर्ति से। आप नॉर्मली मूर्ति देखोगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो मूर्ति का फेस वगैरह है सब कुछ बहुत ही बड़ा राजस्थानी स्टाइल में है। और जो मैंने फर्स्ट टाइम आया था तब थोड़ा सा अलग था, अभी देख सकते हैं मूर्ति पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मूर्ति की ब्यूटी देख सकते हो, इतना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है ये पूरा मूर्ति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीरियसली बहुत ही बढ़िया मूर्ति मुझे ये लगा। हाँ डीवाई 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 हाँ चलो चलो चलो, कोई तो किसी ने तो पूछा यार, चलो इससे ही मजा आ गया। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है तो थोड़ा सा खाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे प्रसाद, कहाँ पे I don't know, तो प्रसाद लेते हैं। चलो चलो देखे हम लोग को देता है जो। प्रसाद तो गाइस चलो फाइनली मिला। देखो सबका इलाज हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूजिक साउंड आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना अच्छा मेरा क्वालिटी आ रहा है म्यूजिक का, लेकिन बहुत ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। तो माइक प्लीज संभाल लेना माइक, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और खा के निकलते हैं दूसरे पूजा पंडाल पे, ठीक है। तो गाइस खाना वाना हो गया, देखो तो गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था तो मुझे ये जगह म्यूट करना पड़ा। तो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और अगला पूजा पंडाल विजिट करते हैं, लेट्स गो। बस यहाँ पे हसल तो बहुत हो रही है और अभी मैं हूँ आठगांव पे और मैं अभी हेलमेट भी नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि यार उतारने का टाइम नहीं है, साइड पे रखा हूँ, जाके फिर से जाना है। ये फिर से मिल गया आप लोगों को, एंट्री पॉइंट वो है क्या? अच्छा तो उस तरफ से देखते हैं, तो अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। और ठीक है जिंदा है क्या? ओ नहीं नहीं क्या भूतिया हवेली कुछ बनाएगा, भूतिया हवेली यहाँ पे सारे जो कबूतर है मरे हुए। देख सकते हो ये सारे मंदिर जो है खुला रखा गया है और इस मंदिर को कवर करके पूजा पूरा पंडाल, ठीक है, काफी सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया करके जो बांस से बनाया गया, तो देख सकते हो और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा मुझे, देख सकते हो पूरा पेड़ वगैरह के सामने। ओके तो मतलब ये बाकी पंडालों से बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे बहुत ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे, ऐसी नहीं है पेड़ वगैरह की वजह से, ठीक है। तो अभी इधर से निकलते हैं और ज़्यादा देखते हैं तो ये कितना हुआ वो मैं वीडियो में काउंट में लगा दूंगा, ठीक है। तो काफी सुंदर लग रहा है स्टार्टिंग से, बहुत बढ़िया लग रहा है, आज अकेला निकल के भी काफी सुंदर लग रहा है। तो वैसे काफी सुंदर रियलिस्टिक बनाया है ये पूरा, मतलब बैम्बू से जो पार्टी का लुक दिया गया है ये देख सकते हो, और यहाँ पे जो डिजाइन किया गया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। और गाइस ये अगर किसी को कपड़ा लग रहा हो, ये कपड़ा नहीं है, पूरा रियल बैम्बू है, देख सकते हो, ये मैं पकड़ रहा हूँ, देख सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सजाया गया है और ये होगा 7 नंबर ऑफ पूजा पंडाल, देख सकते हो, ठीक है। ओके यहाँ पे देख सकते हो काफी सही है, काफी और इस मूर्ति भी बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है। और ये है 6th पूजा पंडाल, तो इससे निकलते हैं और उसके बाद 7th विजिट करेंगे। मेरा अभी भी हालत पूरा खराब हो चुका है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है और देख सकते हो यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा मैं आपको, तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी 6th पूजा पंडाल विजिट हुआ है, अभी 7th करना है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था।
तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी प्यास भी लगा है, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। और भाई खाने का कुछ मेरा वो ठीक नहीं है क्योंकि मैं मंडप में घुस के खाने वाला हूँ, यहाँ पे भाई और खर्चा नहीं है, बहुत पैसे भी खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो गाइस दिस इज द 7th पूजा पंडाल। तो देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ये डेकोरेट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये डेकोरेट किया गया है बैम्बोस से। तो देख सकते हो रात को जब लाइटिंग होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मूर्ति की शक्ल दिखा देते हैं, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, देख सकते हो यहाँ पे हनुमान की मूर्ति है, थोड़ा सा देख सकते हो इसका जो ऊपर का जो डिज़ाइन है, लाइटें दी गई है और रात को जब ये चमकेगा बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पे सारा जो यहाँ पे बैम्बू से बनाया गया है, जो पाखा बोलते हैं हम लोग, को पाखा बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको नहीं पता, तो उनसे सब कुछ ये डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे सारा बैम्बू से बनाया गया है, तो देख सकते हो। तो ये 7th पूजा पंडाल है, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा विजिट करेंगे, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है क्योंकि हर जगह पे एक्टिवा रख के उसके बाद फिर ऐसे कैमरा ऑन के शूट करना, और अभी थोड़ा सा आप लोगों को मूर्ति की शक्ल दिख सकते, ठीक है। ओके, तो चलो चलते हैं, क्योंकि 7th पूजा पंडाल है, अभी आप लोगों को 8th दिखाना है। तो अभी 8th पे हूँ, कैसे पंडाल कंप्लीट होगा मुझे भी नहीं पता, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और विजिट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। अपना को दीदी माजी तो सारा बहुत दिन पीछे लग पालो पर जैसे सर, तो सर बहुत दिन पीछे लग पालो, तो सर भला से कने ओके ঠিক আছে স্যার, বহুত দিন পিছত লগ পাৰো, হেপি পূজা, সেম টু ইউ, চলা অ আহক তারা। তো ইয়াৰ পে স্যার মিল গে, মই জব মতলব আসাম পুলিচ কি প্রিপেয়ার কৰ ৰা থা তব ইয়ে স্যার মুজে বহুত জ্যাদা হেল্প কিয়ে থে, লেকিন ফিৰ ভি ইয়াৰ কুছ চিজো কি ওজা সে সব কুছ নহীঁ হোতা হে, তো ৱো নহীঁ হো পায়া, লেকিন अब भी जब भी सर को देखता हो तो सर जैसे गाड़ी रोका मुझे देख के, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पूजा विजिट करने, ठीक है। तो अभी घुसने जा रहा हूँ लोतासिल फील्ड में। लोतासिल फील्ड में वैसे भी बहुत बढ़िया पूजा पंडाल बनाता है, इस बार भी बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत सी चीज़ें मतलब ख़राब हो गई है, ठीक है। तो अभी घुसते हैं और देखते हैं, और इस वीडियो के लिए मुझे भागना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया है बहुत सारे पूजा पंडाल विजिट करने का, तो ये 8th या 9th होगा तो पूजा पंडाल, तो देखते हैं अभी कहाँ से घुसेंगे यार, मैं तो घूम ही रहा हूँ और गाड़ी वहाँ पे पार्किंग करके रखा है। ओके, तो इस यहाँ पे जो पूजा होता है काफ़ी सही होता है क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड में देख सकते हो, मैं अंदर का पंडाल भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। तो मतलब ये बहुत बड़ी जगह है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, लेकिन बारिश की वजह से सारा देख सकते हो, बारिश की वजह से पूरा मतलब चीज़ें ख़राब हो चुकी है। अभी मेरा शू भी जो नया शू है वो गंदा हो चुका है, मैं नया नहीं है फिर भी, लेकिन मैं यहाँ की आप लोगों को पंडाल दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग गुवाहाटी में इतना ज़्यादा नहीं घूमने वाले और मेरी वीडियोज़ देख के वो लोग इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज की मतलब भाग भाग के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पंडाल कहाँ कहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रथ जैसा कुछ बनाया गया है, ओके। तो ऐसा अभी मैं घुसने जा रहा हूँ जो लताशील फील्ड है, फील्ड का जो पूजा पंडाल है वहां पे, और देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करके ये पंडाल बनाया गया है, और चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा मूर्ति है। ओके, ओके, तो जो जो घर बैठ के देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो वाओ, काफ़ी डिसेंट था, काफ़ी डिसेंट सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो। थोड़ा सा आप लोगों को मूर्ति का जो फेस है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ओके, देख सकते काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। तो हर पूजा पंडाल की एक अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मूर्तिज बनाए गए हैं, और आप लोगों को सारा चीज़ें एक एक वीडियो में कंबाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर में शायद एग्जिट गेट कहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यार बारिश की वजह से सारा कुछ ख़राब हो चुका है, देख सकते हो।
थोड़ा विजिट करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे निकले हैं वो चीज देखते हैं। ठीक शिट, मतलब यहाँ पे पूरा खाना वाना सब कुछ मिलेगा। ये क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो फील्ड को लेके जब पूजा होता है ना, तो वैसे ही मेला जैसा हो जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे तो पानी पीना है, तब से ढूंढ रहा हूँ पानी, खाना पानी पीना है कि मैं तो पानी है नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब यही है यहाँ पे, तो सिर्फ यही है। तो इधर से निकलते हैं, और कहाँ पे है पूजा पंडाल, तो मालीगांव पे है। तो मालीगांव में घुसने मुझे लगता नहीं आज घुस पाऊँगा मालीगांव, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को जो मालीगांव की विजुअल है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यहाँ की विजुअल तो आप लोग देख ही रहे। अरे भाई इसका फोटो क्यों लगा है ये लोग, इसका फोटो किसने लगाया? किस कुछ दिन बाद डिवाइस स्पॉन्सर करेगा डिवाइस, ठीक है ना? तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं फिर मुझे कोई स्पॉन्सर कर देगा मेरे वीडियोस के लिए। आप लोग को देख ही रहे हो कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो शूट करने में, और आज तो मैं पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये देखो रोड का हाल, मतलब बारिश की वजह से जो हालत हो चुका है। बारिश नहीं होता तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल था, पूरा घूम घूम के देख सकता था, लेकिन बारिश की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे हाल, देख सकते हो ना कहीं पे जा सकता हूँ ना कुछ है, पूरा पूरा बर्बाद। तो ठीक है, अभी पानी खरीदते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो बस मुझे ऊपर का जो दृश्य मेरे को लग रहा है, इतना ज़्यादा हिंदी में बोल देता हूँ कि क्या करूँ, मेरे खुद के हिंदी पे मुझे शक होने लगा है। लेकिन आसमान देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश फिर से आने वाली है, और अभी बारिश आ जाए फिर तो पूरा सत्यानाश है, बारिश ना आए यही उम्मीद करूंगा। तो ठीक है, अभी इधर से निकलते हैं। तो इस रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ के वाटर बॉटल उठाया था, तो हम लोग पानी पी के चलते हैं। हाउस द जोश पूरा हाई है, तो अभी जाएंगे मालीगांव की तरफ और मालीगांव की सारी पूजा पंडाल विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये था लोटाशील, अभी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और आप लोगों को जल्दी जल्दी पंडाल विजिट करके दिखाना है ना, तो चलो चलते हैं मालीगांव की पंडाल विजिट करके। तो बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब भी मैं एक्टिवा हुआ तो ऐसा जब जाम लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये बस वाले और ये जो फोर व्हीलर वाले वो सब जाम लगा रहे हैं, और जब मैं बस में होता है या फिर फोर व्हीलर में होता हूँ तब ऐसा लगता है यार ये एक्टिवा वाले कहाँ पे घुस रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये ज़रूर कमेंट में कीजिए। और अभी मैं हूँ मालीगांव में, और मालीगांव का और एक पूजा पंडाल दिखाने वाला हूँ, ये शायद नाइन्थ पंडाल होगा, उसके बाद और ज़्यादा विजिट करेंगे। तो इसका थोड़ा सा लुक आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, ये नाइन्थ पंडाल है, ओके देख सकते हो। और ये क्या, मतलब वो नेटफ्लिक्स का जो गेम था, वो एक नेटफ्लिक्स का गेम था, उस गेम का नाम क्या था, उस गेम पे एक मूवी था, वो कठपुतली समथिंग था उसका, मतलब गेम था, वो गेम ही यहाँ पे बनाया गया, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, तो देख सकते हो। ठीक है, और अभी तुम लोगों को अच्छे से थोड़ा सा यहाँ का टूर दे दे, बस देख सकते हो। ओ वाव, तो मूर्ति बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है, तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज नहीं है। हेलो, नहीं क्या जनरेटर उड़ गया है क्या? अभी जैसे ही कैमरा उधर किया वैसे ही लाइट चला गया, आई डोंट नो। लेकिन मूर्ति काफी सुंदर बना है जैसे आप लोगों को बताया, बच्चों का काफी सही है यार, काश मैं भी यहाँ पे उठ के अभी घूम पाता। ओके चलो चलो निकलते हैं, और ज़्यादा पूजा पंडाल विजिट करना है आप लोगों को दिखाना है, तो यहाँ से निकलते हैं और ज़्यादा पूजा पंडाल विजिट करते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पे मैं म्यूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैंने यहाँ पे साउंड डाला, मतलब इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह बज रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा जापी बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो वन हॉर्न राइनो और नमस्ते जी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मूर्ति का फेस दिखाते हैं, जो का मूर्ति भी हर पूजा पंडाल की अलग अलग खूबियाँ है मूर्ति में, तो यहाँ की भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलो
तो गाइस अब तक हम लोग 10th पूजा पंडाल विजिट कर चुके हैं, ये 10 नंबर पूजा पंडाल था। और यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो गाइस यहाँ पे तो पक्का कॉपीराइट रहने वाला है, इसलिए मैंने इस जगह को म्यूट किया है। तो गाइस ये पंडाल तो हो गया, चलो उसके बाद बढ़ते आगे बढ़ते और ज्यादा विजिट करते हैं। चलो तो देख सकते हो आज पूरा हालत खराब है अभी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ आजादीन क्लब में, और आजादीन क्लब से पहले जैहिन क्लब है, तो जैहिन क्लब का पहले आप लोगों को वीडियोस देखा थे। और काफी सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन दिया गया है, और थोड़ा थोड़ा रात भी हो रहा है, मजेदार लगेगा अभी। और जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है वहां पे जा रहे हैं, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस वेलकम टू जैन क्लब, जो वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाला था, तो आज देख सकते हैं ये पूरा पंडाल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को अंदर जाके भी दिखाऊंगा, और बहुत ही प्यारा हो चुका है पंडाल, तो देख सकते हो। वैसे बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो 64 समथिंग 65 फीट का है। और मेरे वो वाले वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे मैंने जब ये बन रहा था तब कैप्चर किया था, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज किया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ झरना वगैरह देने के बाद बोला था, तो लेकिन अभी सब पत्थर है तो झरना तो है नहीं। विजिट करके आप लोगों को दिखाते। और ये है 11th one, मतलब 10th one या 11th one होगा। लगी लगना ओके, तो ये देख सकते हैं, ये है पूरा पूजा पंडाल। और गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारा बना है, तो तब मैं जब आया था तब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बन रहा था। और अभी देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। ओके देख सकते हो, दिस इज द ब्यूटी, मतलब इतना ब्यूटी होता है उन लोग के हाथ में, जो लोग बनाते हैं मतलब इतना परफेक्शन से वो लोग काम करते हैं कि क्या ही, बहुत बढ़िया। ओके तो मैं थोड़ा साइड में कुछ मूर्ति दिया गया है, उसके बाद मैं आप लोग तो ये हो गया 11th one। अभी ये था जैन क्लब का वीडियो है, अभी हम आजादीन क्लब पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस दिस इज द 12th one, देख सकते हो मेरे पीछे। और मैंने जब ये लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तभी इनकम्प्लीट था, अभी पूरा सा कंप्लीट हो चुका है, और अंदर भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है, तो अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे अंदर भी देख सकते हो तब इनकम्प्लीट था, अभी पूरा सा कम्प्लीट हो चुका है, ऊपर का मैंने जैसे आप लोगों को बताया था। और जैसे आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे ग्लास लगने वाला है, तो देख सकते हो ग्लास लगाए गए, और ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था ग्लास लगने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह पे कंपटीशन वगैरह होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे। यार तो ऐसा लग रहा है अभी बस ऐसे बैठ जाओ कहीं पे, और इसे चला नहीं जा रहा। अब तक 12 पंडाल हो चुका है, और अभी और भी विजिट करना बाकी, तो देख सकते हो यहाँ पे प्राइजेस है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। ओके तो ये देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का फर्स्ट प्राइज मिला था। ये किसके लिए भैया मिला था? मूर्ति के लिए मिला था, विसर्जन में मूर्ति के लिए मिला था। ये वाला तो अगला साल का है, ये देख सकते हैं अगले साल, ये वाला भी सेम अगले साल का है। फिर चेक मिला था 1,00,000 का 2020,
टू ये 23 का है। अच्छा मतलब हर साल की प्राइजेस वगैरह यहाँ पे मतलब न्यूज से मिला था ये प्रतिदिन टाइम से मिला था एंटर मतलब नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट आया था। मतलब क्या पूजा पंडाल के लिए या नहीं मूर्ति के लिए आया था? मूर्ति के लिए आया था। मूर्ति के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सजाया गया है क्या कि कुछ पेंडल में भी किया जाए। नहीं नहीं बहुत बढ़िया पेंडल बना है और मूर्ति तो बोलने की जरूरत नहीं है बहुत ही बढ़िया मूर्ति यहाँ पे बना है। सभी लोग यहाँ पे आइए पूजा एंजॉय कीजिए मैं यही बोलना चाहूंगा। एंड गाइस दिस इज द 13-1 ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा बनाया गया है ये जो पूजा पंडाल है और ये मालिकाओं के अंदर है। इस जगह का नाम मुझे पता नहीं है लेकिन आप देख सकते हो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और सैमसंग का कैमरा तो हमेशा से ही मेरा बेस्ट रहा है। आप लोग देख सकते हो रात को कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सिंपल सा एक पंडाल है। तो ठीक है इसे मैं थोड़ा सा दिखा के आगे बढ़ता हूँ आगे और भी पंडाल है तो जल्दी जल्दी सबको विजिट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट कैंप का पूजा देखने कालीबाड़ी का। इधर पूरा नो एंट्री लगा है उसकी वजह से मैं पैदल जा रहा हूँ गाड़ी वहाँ पे रख दिया है ब्रिज के नीचे। दिस इज 14-1 तो गाइस लेट्स गो अंदर जाके आप लोगों को मूर्ति दिखाते हैं और बहुत ही प्यारा सजा है फूलों से और यहाँ पे देख सकते हो पूरा रात हो चुकी है पूजा पंडाल विजिट करते करते लिटरली मैं पूरा थक गया हूँ अभी। और ये 14-1 पूजा पंडाल है और कैसे 20 कंप्लीट होगा आई डोंट नो लेकिन जब तक मतलब मैं कर सकूँगा तो ब्लॉग करूँगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं मूर्ति का थोड़ा शक्ल दिखा देता हूँ मतलब इतना प्यारा मूर्ति मैंने देखा है पूरे गुवाहाटी में। और गैस आज का जो ब्लॉग था सबसे ज़्यादा मुश्किल ब्लॉग था क्योंकि इतना ज़्यादा पूजा पंडालों पे भीड़ था और ऊपर से ये बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो मैंने बहुत कोशिश की इस ब्लॉग को अप टू द मार्क करने को। तो आप लोग इस ब्लॉग को शेयर करना और देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। यहाँ पे भी घुस के ही जाता है क्योंकि अगर जा रहा है तो रास्ते में अगर और वैसे यहाँ का जो लाइटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा आप लोग देख सकते हो काफी सुंदर लगता है जब ऐसे रिकॉर्ड वगैरह भी करता हो। यहाँ का लाइटिंग थोड़ा सही है। एंड गाइस वी आर एंटरिंग 15th पूजा पंडाल। तो देख सकते हो 15 पूजा पंडाल मैंने कंप्लीट कर लिया और देखते हैं कितने कंप्लीट कर पाते हैं लेकिन बहुत मेहनत लगे इस ब्लॉग में। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और चैलेंजिंग ब्लॉग्स में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो मूर्ति कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो गाइस चलो चलते हैं रेस्ट कैंप की तरफ और रेस्ट कैंप की जो वाइब है ना वो वाइब ही अलग है क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ अलग है और इतना बड़ा एरिया लेके रेस्ट कैंप का पूजा होता है। एंड गाइस फाइनली वी आर एंटरिंग रेस्ट कैंप मालीगांव रेस्ट कैंप पूजा और यहाँ पे देख सकते हो एक घुसते ही एक वाइब मिली है मतलब फेस्टिवल वाइब मिली है और आप फर्स्ट डे का भीड़ देख सकते हो। मैं फर्स्ट डे आया हूँ और फर्स्ट डे यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो पूरा मेला लगा हुआ है और बहुत ही बड़ा एरिया लेके ये रेस्केम कारीबारी का पूजा होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो इसलिए मैंने फर्स्ट डे आ गए। चलो आप लोगों को पंडाल दिखाते हैं पूजा पंडाल दिखाते हैं चलो आप लोगों को मूर्ति दिखाते हैं। जय श्री राम। एंड गाइस दिस इज मालीगांव रेस्ट कैंप जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पूजा पंडाल रात को पूरा चमक रहा है मतलब रात को लाइटिंग के टाइम बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये चीज़ आप देख सकते हो और इसकी ब्यूटी जो है वो निकल के आ रहा है आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पूजा पंडाल और ऐसे लग रहा है पूरे पंडाल में दिए जल रहे हैं और काफ़ी सुंदर एक वाइब है। और अंदर जाके मैं यहाँ पे आप लोगों को मूर्ति की तस्वीर भी दिखाऊंगा तो लेट्स गो। हाँ
ये था रेस्ट कैंप का पूजा कालीबाड़ी में। और तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे पूजा पंडाल इस वीडियो में दिखाए, और तो गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी सीधा खाऊंगा और इस वीडियो का एंड करूँगा। सो गाइस फर्स्ट डे इतना ज़्यादा भीड़ हो गया तो क्या ही बोलूँ, फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और इतना भीड़ यूजुअली नहीं होता है, तो गाइस देख सकते हो। तो यहाँ पे स्पाइरल पोटैटोस है लेकिन मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मैं कहीं पे इतना ज़्यादा घूम लिया हूँ तो मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, कहीं पे बॉयल एग दिख गया तो वो खाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अलग चीज़ दिख गया है, यहाँ पे है मौत के कुएं का टिकट, मतलब लिटरली मैं इसे खरीदने वाला हूँ आज, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने वाला हूँ ये मौत का कुआ। 100 रुपये इसका टिकट है, चलो लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो गाइस लेट्स गो। तो यहाँ पे अगर मैंने हनुमान काइन वाला एल्बम नहीं देखा होता तो ये टिकट मैं नहीं खरीदता, तो बिग शाउट आउट टू हनुमान काइन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। तो चलता कैसा है, कैसे घूमता है, मुझे एक्साइटमेंट है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नीचे गाड़ी और 2-व्हीलर 4-व्हीलर सब कुछ रखा हुआ है, तो लेट्स सी कैसे ये लोग चलते हैं, लोगों को भी दिखाएंगे, तो लेट्स गो। अभी उधर से अंदर जाऊंगा मैं और जाके मेरे हाथ देखो पूरा नोट कर रहा है पेट्रोल वगैरह। यहाँ पे पेट्रोल लोड कर रहा है तो मतलब कितना देर वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगा है सीरियसली। 15 पूजा पंडाल विजिट किया है भाई, मजाक नहीं, इस रोड में मतलब जाम में। बीच बीच में म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज तो कॉपीराइट आएगा। यहाँ से अगर मेरा फोन गिर जाए तो क्या होगा, तो बस अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है बिग बॉस, बिग बॉस देखने वाला फीलिंग आ रहा है, लाइव बिग बॉस देखूंगा मैं, के देख लो कैसे स्टार्ट होता है सब कुछ मैं दिखाऊंगा। ओके तो इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है कि मेरा आवाज़ कुछ भी माइक रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, और गाइस मुझे डर लग रहा है कि ये बाइक उड़ उड़ के मुंह पे ना आ जाए, देख सकते हो कैसे सामने आ रहा है, पूरा जो स्टेज है वो हिल रहा है। तो यहाँ पे 2-व्हीलर्स का थोड़ा सा शो चला था, उसके बाद अभी देखो सब लोग आ रहा है, यहाँ पे सारा 2-व्हीलर्स भी चलेगा और उसके बाद सारा जो गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ चलेंगे इसके बाद, तो लेट्स सी कैसा लगता है जब ये सारा गाड़ी ऊपर आएगा। तो गाइस अभी स्टार्ट होने वाला है, देख सकते हो पहले एक बाइक चला था, अभी देख सकते हो कितना बाइक चल रहा है, ये कार कब चलेगा मैं इसका वेट कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं थोड़ा IPL की कैमरामैन की तरह थोड़ा कैमरे को जूम करता हुआ, लेकिन यार नीचे असली शो हो रहा है तो वो देखते हैं। I'm
तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा, मतलब जब ये फोर व्हीलर पूरा घूम रहा है ना, ये पूरा जो स्टेज है ना वो पूरा हिल रहा था, और मुझे इतना डर लग रहा था तब जगह ये पूरा स्टेज टूट के गिर ना जाए। और यहाँ पे जो पेट्रोल की इतनी ज़्यादा बदबू आ जाती है कि मतलब आप लोग रह नहीं पाओगे, पेट्रोल की इतनी फास्ट ये चीज़ चलती है, तो पेट्रोल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने मुंह कवर कर लिया। ये देख सकते हो रिस्की तो है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम, कभी मत करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो देख सकते हो बाकी सही है, लोग दिखा रहे हैं पैसे ले रहे हैं उसके बदले वो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सीधा नीचे, मतलब उसका पापड़ बनने वाला है, तो ये समझ लो। तो फाइनली शो ख़त्म हुआ, अभी निकलना है मेरे को, खाना है जाके, तो भूख भी लगा है। चलो ठीक है, शो देख लिया, फर्स्ट टाइम था, चलो उसके लिए ठीक है। चलो भाई 100 रुपये खत्म हो गए। ओके, तो मेरे को तो ये डर लग रहा था साला स्टेज पूरा टूट ना जाए। ऑल्टो में जान है, देख सकते हो बेस्ट गाड़ी है एवर, ऑल्टो। मारुति मारुति कर दो भाई, सब गाड़ी में कुछ नहीं रखता हूँ, मारुति कर दो। देखो ऐसे भी घूम सकते हो, और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से तो गैस असली मौत का खेल तो यहाँ पे शुरू होता है, सीढ़ियाँ उतरना। तो चलो ये देख सकते हो ये ढांचा जिसपे मतलब पूरा गाड़ी घूम रहा था, 2-3-4 फोर व्हीलर्स। तो गैस बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये बारिश आके बहुत ख़राब कर दिया, और मैंने अपना एक्टिवा जो पार्क किया था वो फ्लाईओवर के उस तरफ पार्क किया था, और ये रेस्ट कैम्प है, तो मतलब यहाँ से मुझे चल के जाना पड़ेगा और वहाँ पे भीग के मतलब एक्टिवा पकड़ना पड़ेगा। तो वो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना।